भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी एक के बाद एक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। पार्टी की तरफ उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में बीजेपी ने यूपी की गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा है। गाजियाबाद से प्रत्याशी बनाए जाने पर अतुल गर्ग पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रत्याशी बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से अतुल गर्ग को दावेदार बनाया है। बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाने पर अतुल गर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आइए जानते हैं अतुल गर्ग ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं अतुल गर्ग, विधायक गाजियाबाद सदर। पहली बार सांसद का टिकट मिलने के बाद आपसे मैं संबोधित हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मोदी जी या योगी जी को मैं कैसे धन्यवाद दूं, मेरी समझ से बाहर है। मुझे बताया गया कि गाजियाबाद के क्षेत्र से जो जनता से, जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक दिया गया, उसके कारण भी आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। इसका मतलब आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ करके आपका भी, मोदी जी का भी, योगी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अचंभित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, अभिभूत हूँ कि एक दिन के अंदर अंदर ये हो क्या गया। अभी तक तो सच पूछो मुझे ही खुद नहीं पता पड़ रहा कि मेरा चयन लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कर लिया गया है पूरी तरीके से। और बहुत ज्यादा मैं दिल से आप सब लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं। मुझे याद है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत संघर्ष किया, कई बार अपमानित भी होना पड़ा। संसद के अंदर कहा गया कि हम दो हमारे चार। उस दिन अटल जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके ऊपर लोग हंसेंगे। आज आप हम पे हंस रहे हैं, एक दिन आपके ऊपर हंसेंगे। पर देखिए, उस महामानव की आज भविष्यवाणी कहो या दिल से निकली हुई भावनाएं कहो कि आज वो पूरी है। आज पूरे देश में नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार। कभी कल्पना की थी हम लोगों ने? अगर हम जीत गए हैं तो वोट क्यों जरूरी है? 10-20 वोट कम पड़ जाए, ज्यादा पड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? इसका एक ही जवाब है कि ये केवल एक सांसद का चुनाव नहीं है, ये केवल एक क्षेत्र के प्रतिनिधि का चुनाव नहीं है। जिस समय पूरे भारत के अंदर सभी वोटों को गिना जाएगा, उस दिन ये तय होगा कि मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितने वोट पड़े थे। सांसदों की गिनती तो संसद तक सीमित है, लेकिन वोटों की गिनती ये तय करेगी कि भारत में कितने प्रतिशत लोग मोदी के साथ हैं। वो वोट प्रतिशत परिलक्षित हो, पूरे भारत की संख्या में आपका वोट गिना जाए, उसके लिए भी आपका वोट जरूरी है। केवल अपने सांसद को जिताने के लिए नहीं, मोदी जी के पक्ष में हाथ खड़ा दिखने के लिए भी आपका वोट जरूरी है।